आदरणीय वेदांती जी संत हैं और उन्होंने ये बात कही है, तो मुझे लगता है कि एक कहावत भी है कि आम आदमी की आवाज़ खुदा का नकारा होती है। अरबों अरब जो भगवान राम के भक्त हैं, उनकी सबकी उत्कट आकांक्षा है कि जल्द से जल्द अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने। तो मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय भी ये जो जो लोक भावना है, लोक कि आज सबकी चाहना है, मुझे लगता है जल्दी जल्दी उस पर निर्णय करेगा और वहाँ भव्य राम मंदिर बनेगा। जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की बात करे तो आप समझ लीजिए कि चुनाव आ गए। पिछले 4.5 साल से बराबर जिस तरीके से रोजगार को लेकर नौजवान सड़क पर हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर पूरे देश में बराबर हर मोर्चे पर सरकार विफल है, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के विषय पर हो, बेरोजगारी का विषय हो, किसान को बराबर लाठियों से गोलियों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ये राम मंदिर शुरू कर देते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं वेदांती जी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी कि जब चुनाव निकल जाता है तब ये बात नाथूराम की करते हैं और जब चुनाव आता है तो भगवान राम की बात करते हैं। पूरे देश की आस्था न्यायपालिका पर है और निश्चित तौर से न्यायपालिका जैसी संस्थाओं पर सवाल खड़े करने का अधिकार किसी को नहीं।